गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 12A के कुछ क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग थे सिंपल इंटरेस्ट के, वो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो ऑल विल रीड द क्वेश्चन। रीड क्वेश्चन नंबर 25। बेटा सभी बच्चे क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान दें सभी। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? डिवाइड रुपीज 3600। वो बोल रहे बेटा 3600 रुपीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, कैसे करना है? इफ वन पार्ट इज लैंड एट 9% पर एनम, एक का रेट कितना है 9%, दूसरे का रेट कितना है 10%। ठीक है, हमें क्या गिवन है? जो टोटल इनकम है उसकी, मतलब जो टोटल ब्याज आता है, यहां वाला ब्याज प्लस यहां वाला ब्याज, टोटल मिला के कितना है 333। तो हमको बताना है वो इस रुपीस को कितना कितना बांटेगा। तो मैंने मान लिया बेटा ये कितना है एक्स, तो ये कितना बचेगा दूसरे वाला 3600 माइनस एक्स। बताओ सभी, क्या सभी बच्चों को प्रिंसिपल क्लियर है? बेटा मैंने आपको बोला मान लो पहले वाले प्रिंसिपल को एक्स, तो ये कितना बचेगा 3600 माइनस एक्स। बताओ सभी, क्लियर है ये बात? ऑल स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स क्लियर है? हम मान लेते हैं एक पार्ट तो x है, तो दूसरा क्या बचेगा 3600 माइनस x। हाँ बेटा चैट बॉक्स में, यहां तक क्लियर है? बेटा ध्यान देंगे सभी। इसके बाद हमको एक वर्ड गिवन है एनुअल इनकम। बेटा एनुअल का मतलब है एक साल, हमको टाइम मेंशन नहीं है, तो आप खुद मान लो टाइम को कितना एक साल। ठीक है, अब हम निकालते हैं इंटरेस्ट इसका, इंटरेस्ट इसका, दोनों को कर देंगे प्लस, कितना रख देंगे 333। ध्यान दो सभी, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 प्लस पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, दोनों इंटरेस्ट मिला के कितना है 333। बताओ सभी, यहाँ तक क्लियर है? हाँ बेटा, हमने मान लिया ये पहला इंटरेस्ट है, ये दूसरा इंटरेस्ट है, दोनों इंटरेस्ट मिला के कितना है 333। बताओ सभी, यहाँ तक क्लियर है? फिर हम इसको आगे सोल्व करते हैं। बताओ सभी, यहां तक क्लियर है सभी को? बेटा यस और नो इन द चैट बॉक्स, यस और नो इन द चैट बॉक्स। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, ध्यान दो अब। नाउ टेक द एलसीएम, वेरी इजी। बेटा एलसीएम लो सभी, एलसीएम कितना आ जाएगा 100, राइट साइड कितना है 333। ध्यान दो, 100 वंजा 100, तो ऊपर क्या आएगा 1, 9 वंजा 9, साथ में x, दोबारा नीचे क्या है 100, ऊपर जो है वैसे का वैसा 3600 माइनस x मल्टीप्लाई 10। बताओ सभी, यहां तक क्लियर है? हमने जस्ट एलसीएम लिया है, एलसीएम कितना आया 100, तो जैसा जो जैसा है वैसे का वैसा। बताओ बेटा क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है सभी को? वेरी गुड, नेक्स्ट स्टेप वेरी इजी। नाउ डू मल्टीप्लाई 9x एज इट इज, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो एक जीरो और आ जाएगी, मल्टीप्लाई 10 इंटू एक्स 10x, नीचे वाला ऊपर ले जाओ 333 डबल जीरो। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, एक्स वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, क्या लिखेंगे 33,300, ये किसका है प्लस, उधर जाके माइनस कितना है 36,000। क्लियर है? माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 में से 9 गया 1, बड़ा कौन है माइनस का? सभी बच्चे माइनस करो, मुझे बताओ कितना आ रहा है 36,000 माइनस 33,300, डू माइनस
वेरी गुड, सभी माइनस करो। 36,000 माइनस 3,300, सॉरी 33,300। वेरी गुड, डू माइनस। वेरी गुड, सभी करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, डू माइनस। वेरी गुड, क्या सभी कह रहे हैं? 2700। क्या सभी कह रहे हैं? 2700 आ रहे सभी का? गॉट इट ऑल? इसका मतलब हमारा एक्स आ चुका है, अब हम डिवाइड कर सकते हैं। हमको क्या करना था? इसको डिवाइड करना था दो पार्ट्स में। हमारा एक पार्ट कितना आ गया? 2700। तो दूसरा कितना आ जाएगा? 3600 माइनस 2700, कितना बच गया? 900। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। बताओ सभी, क्लियर है? हाँ जी बेटा, सभी बच्चों को क्लियर? 25th क्वेश्चन बेटा, ऑल स्टूडेंट्स रीड क्वेश्चन नंबर 24। डिवाइड रुपीज 3000 इंटू टू पार्ट्स। हमको उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट फॉर थ्री ईयर्स, सॉरी फोर ईयर्स एंड 8%। टाइम कितना है? फोर ईयर्स। रेट कितना है? 8%। इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है? इक्वल है किसके? इसके सिंपल इंटरेस्ट के, जिसके अंदर टाइम कितना है? दो साल, और रेट कितना है? 9%। बताओ सभी, क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी बेटा, क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है? स्टार्ट करें। हाँ जी बेटा, कैन वी स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ? सभी बच्चों को हिंदी क्लियर है? हिंदी की क्वेश्चन को कैसे समझना है? वाई फॉर यस एंड फॉर नो। हाँ जी बेटा, स्टार्ट करें। ओके बेटा, फोकस करो सभी बोर्ड पे। हमको निकालना है एसआई। इस वाले पार्ट का एसआई कितना होगा? फर्स्ट पार्ट का एसआई पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। हमने तीनों वैल्यू फॉर्मूले में डाल दी। इसी तरह पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 एंड वी नो बोथ इंटरेस्ट आर इक्वल। बताओ सभी, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है? हमने जस्ट एसआई का फॉर्मूला पुट किया है दो बार और दोनों को क्या रख दिया? इक्वल, बिकॉज दे आर इक्वल। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी बेटा, सभी को यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, यश गोयल, दीपक गोयल, वेरी गुड। बाकी बेटा, बाकी सभी यहाँ तक क्लियर है? जस्ट एसआई का फॉर्मूला टू टाइम्स, गॉट इट? ओके यशिका, ओके वेरी गुड। ओके नाउ लुक, हमें क्या करना है? सोल्व करना है। ध्यान दो सभी, 100 से 100 कट, नेक्स्ट स्टेप 2 1 जा 2 2 जा कितना बचेगा? 8 2 जा 16, साथ में x वहाँ कितना बचेगा? 9 3 जा 27, कितनी जीरो हैं? 3 जीरो हैं। माइनस 9 into x 9x, नेक्स्ट स्टेप x वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, क्लियर है? 16 और 9 हाउ मच? 25x इक्वल्स टू 27000। x की वैल्यू 27000 डिवाइडेड बाय 25। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? हाँ जी, सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? हमने जस्ट क्वेश्चन को सोल्व किया है। जब आप इसको डिवाइड करोगे रफ में, आपको वैल्यू मिलेगी रुपीज 1080। क्लियर है? इसका मतलब हमको हमारे
3000 रुपये को डिवाइड करना है दो पार्ट्स में, जिसमें एक पार्ट कितना है 1080, तो दूसरा पार्ट कितना आ जाएगा 3000 माइनस 1080 कितना बचेगा 1920। दिस इज द फाइनल आंसर। बताओ सभी क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी बेटा, ऑल स्टूडेंट्स क्लियर यहाँ तक? बेटा फोकस नाउ क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है? सभी ध्यान से देखो, हमको गिवन क्या है? हमको ये गिवन है कि हमारे पास कोई मनी है, वो मनी अपने आप का बन जाता है 8/5 times, कितने साल में? 5 साल में। तो हमको बताना है रेट की वैल्यू क्या होगी। हम मान लेते हैं लेट जो हमारे पास पैसा था वो कितना है 100, तो वो कितना बन जाएगा, डेट इज़ व्हाट अमाउंट 8/5 किसका 100 का, 1 20 28 160 कितना बन गया वो 160 था, कितना 100 का बना 160। इसका मतलब जो ब्याज है वो कितना आया, इंटरेस्ट हाउ मच 60 रुपीज़, और हमारे पास टाइम कितना है 5 साल। वेरी इजी, SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, 100 से 100 कट, आर की वैल्यू 60/5, 1/12 जा, आर का आंसर कितना आएगा 12%। बताओ सभी इजी है? हाँ जी बेटा बोलो सभी, क्लियर सभी को? ओके स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 22 and 23 टुमारो, टिल देन रिवाइज दीज क्वेश्चंस एंड कंप्लीट योर फेयर नोटबुक, ठीक है? बाय, टेक केयर, बाय।